व्हाट अ वाइफ व्हाट अ लाइफ। नवरात्रि सीरीज हमारी चल रही है और अब सिर्फ आधी रात बची हुई है बैठकी के दिन आने के लिए। अभी मैं आया हूँ संस्कार के पास, हाथीताल में संस्कार आर्ट करके जो पंडाल है जहाँ पे हाथीताल की महारानी बन रही है, वहाँ पे मैं आपको आज दिखाने आया हूँ हाथीताल की महारानी और बाकी की जितनी भी मूर्तियाँ यहाँ पे बन रही हैं वो सब मैं आपको एक अपडेट देने के लिए आया हूँ, क्योंकि भाई कलरिंग होने के बाद ना मूर्ति का निखार बहुत अलग हो जाता है। तो अब जो है वो मैं आपको सारी एक एक मूर्ति के बारे में बताने वाला हूँ, कौन सी मूर्ति कहाँ जा रही है, कैसी दिख रही है, कैसी कलरिंग हुई है और अभी क्या कितना होना बाकी है। ये है शंकर जी, हाथीताल के महारानी वाले शंकर जी, और ये वाला कलर जो ये फ्लोरोसेंट होता है तो ये लाइट जब इनमें पड़ती है ना तो ये अलग से ही चमकता है, वही वाला कलर किया गया। अभी इनमें बाल लगना बाकी है, अभी बाल लगेंगे, माता रानी में भी अभी बाल लगने बाकी है। अभी संस्कार जो है इन्हीं ने ही बनाई है भैया मूर्ति जैसे मैंने आपको बताया, और ये हाथीताल की महारानी है जिनका कल सुबह आगमन है। अभी थोड़ा थोड़ा सा काम और बचा हुआ है तो भाई संस्कार अभी जल्दी जल्दी निपटा रहा है। मूर्ति ऑलमोस्ट रेडी है, ज़्यादा तैयारियाँ नहीं बची हैं, बाल वगैरह लगने भी माता रानी में काफ़ी टाइम है, हो जाएगा आज रात में। थोड़ा थोड़ा सा जो फाइनल टचअप्स होते हैं अभी वही कर रहा है संस्कार। सो ये महाकाली तकरीबन 12-12.5 फीट की हैं और ये संस्कार ने बनाई है जिसकी उम्र जो है वो काफ़ी कम है। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये महाकाली कैसी लग रही हैं। ये पूरे हाथीताल एरिया में इकलौती ऐसी महारानी है, महाकाली हैं जिस स्वरूप में बैठती हैं, बाकी सब हमारे एरिया में जो दुर्गा जी के अलग अलग रूप रहते हैं वही बैठते हैं। अभी संस्कार हट जाएगा ना और ये वाली सीढ़ी जो है ये हट जाएगी, देन फिर उसके बाद मैं आपको पूरा एक व्यू दिखाऊंगा माता रानी का। ये है सुपर व्यू मोड में माता रानी का व्यू, यहाँ से आपको पूरी माता रानी दिखेंगी। एंड आप लोगों को कैसा लग रहा है हाथीताल की महारानी को देखकर ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। संस्कार काफ़ी छोटा यार और उसने पूरी मूर्ति बनाई है, ऑल्दो काफ़ी लोगों के हाथ लगे हुए हैं, सबकी ही हेल्प होती है उसके बाद एक मूर्ति बन पाती है, पर जो मेन सारी चीज़ें होती ना वो एक मूर्तिकार ही अच्छे से कर पाता है। अभी मैं और भी काली जी आपको दिखाने वाला हूँ। और ये है कबीर भैया, ये भी बहुत ही छोटे हैं लेकिन ये पेंटिंग काफ़ी अच्छी करते हैं। आप देख रहे हैं इनका टैलेंट भी है और इनकी इच्छा भी है कि मुझे ये चीज़ करनी है। सो इनके जो पिताजी हैं फादर जो हैं वो इनको छोड़ जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक और फिर ये यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। ये वाली जो महाकाली हैं जिनमें अभी कबीर कलर कर रहे हैं ये हमारे एरिया में सुपताल के पास बैठने वाली हैं। इनका आप आकार देख सकते हैं, इनका जो फेस है वो भी अलग है हाथीताल की महारानी से। और एक महाकाली वहाँ पे रखी हुई है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पहले आप इनको देखिए आराम से। चतुर्भुजाओं वाली महाकाली हैं इस पंडाल में सारी, और अभी सभी में ना बाल लगने बाकी हैं। वो जो आप देख रहे हो ना वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर देने के लिए बना दिया जाता है, पर उसके बाद अलग से भी आर्टिफिशियल जो हेयर्स आते हैं वो लगने बाकी हैं, तो वो कमर कमर तक लगेंगे, उसके बाद मूर्ति और अच्छी दिखने लगती है। आपको काफ़ी काफ़ी सही लग रहा होगा, और GoPro में ना मूर्ति थोड़ी सी छोटी दिखती है इस कैमरे में, पर भाई सामने से देखने में ना बहुत सुंदर लगता है। और ये पूरे 10 दिन विराजमान होती है हमारे एरिया में, तो पूरे 10 दिन इनके दर्शन आप कर सकते हैं, कभी भी आइए दर्शन करिए, बहुत अच्छे से स्वागत भी होता है। कल सुबह इनका आगमन भी है, स्टेज भी बहुत अच्छा लगता है, सारी समिति वाले जो हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं भाई। ये अभी हनुमान जी तैयार हो रहे हैं, इनकी अभी जो बियर्ड है वो यानी जो दाढ़ी है वो लगना बाकी है, और इनमें अभी थोड़ी और कलरिंग और होगी। ये देखो आप, ये भी सब यहीं पर ही बने हुए हैं। पीछे जो है वो रुद्रानी माँ रखी हुई हैं, वो सबसे आखिरी में जाएंगी इसलिए अभी उनमें काम उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, आराम से उनमें काम होगा क्योंकि उनका फेस बहुत अलग बन रहा है इस साल। ये जो है ये तीसरी महाकाली हैं जिनका फेस मैंने आपको दिखाया था, अब ये तैयार होने के बाद ऐसी दिख रही हैं। ये जा रही हैं खमरिया, हमारे यहाँ पर रांची के आसपास एक एरिया, वहाँ पर ये जा रही हैं। और ये महाकाली का फेस मुझे बहुत पसंद आया है, तीनों ही महाकाली का फेस अलग है जैसे मैंने आपको बताया। इनका फेस अभी मैं आपको क्लोजअप और दिखाऊंगा। ये भी चतुर्भुजाओं वाली महाकाली हैं। शंकर जी आपको दिखाता हूँ मैं, इनके बहुत प्यारे शंकर जी बनाए हैं संस्कार ने और उनकी टीम ने, उनके साथी कलाकारों ने। इनकी हाइट है तकरीबन 10 फीट 10-10.5 फीट के आसपास इनकी हाइट है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, पर बहुत सुंदर लग रहा है यार ये फेस, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो आप पास से, पीछे जस्ट बाजू में घर है, उनका टंकी भर गई है तो पानी गिर रहा है, उसी की आवाज़ आ रही है। तो भाई ये था एक अपडेट ब्लॉग संस्कार आर्ट के यहाँ पे। अगर आपको अगले साल कोई भी अपनी मूर्ति बनवानी है संस्कार से बनवानी है, हाथीताल कृपाल चौक में इनका एरिया का नाम है, इनका एड्रेस है। अगर आपको लगे तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट इनको कॉल कर सकते हैं और इनसे सारी बातें कर सकते हैं। मूर्ति और इनके जो काम है, जो इनकी आर्ट है, वो मैंने आपको दिखा दिए। यही मेरा एक मोटिव था कि भाई लड़का काम कर रहा है, अगर आपको लगता है आपको बनवाना है तो आप ज़रूर अपना ऑर्डर यहाँ पे दे सकते हैं और अपनी मूर्ति यहाँ पे बनवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और चिल वाइब्स के साथ जीते रहिए। बाय बाय।